छत्तीसगढ़ी भाषा व व्याकरण से क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम व्यापम और पीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम आपका 27 अगस्त को होने वाला है, तो एक बार रिवाइज करके जाइएगा। पहला प्रश्न है, मैं आपको पूरा टिक लगा के रख चुका हूँ वेलम, यानी कि येलो कलर का जो दिख रहा हुआ, ऐसे ही सभी में 20 MCQ में पूरा टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद टोटल 50 आप और करेंगे। समय को देखते हुए रिवाइज कर सकते हैं। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ है उसे कोख पोछना कहते हैं। दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में दांत निपो। उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है अस्कट। छत्तीसगढ़ी शब्द में झुलफुला का अर्थ होता है आपका सूर्यास्त का समय। कपिला शब्द का अर्थ होता है भूरे या सफेद रंग की गाय। घोघिया पठारी किसे कहते हैं आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो श्राद्ध कर्म को संपन्न करने वाला ब्राह्मण। उसी प्रकार आपका लेबर इंस्पेक्टर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़हर का अर्थ होता है आपका बड़ोरा। छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं, तो भंदई का मतलब होता है चप्पल। छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को गिरमा कहा जाता है। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो आप सभी को मालूम होगा जसपुर। लरिया बोली किसे बोली जाती है, तो आपका हो जाएगा महासमुंद। पति द्वारा तागी गई नारी को क्या कहा जाता है, छंडवा। इसका हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है नांग। हल का पर्यायवाची शब्द है आपका नांगर। रंधनी बोली किसे कहा जाता है, तो रसोई के लिए कमरा। उसी प्रकार अरकट्टा का अर्थ होता है छोटा रास्ता। लमचोची किसे कहते हैं, तो लंबी चोंच वाली चिड़िया। लुड़की किसे कहते हैं, लुड़की का मतलब होता है आभूषण। इनमें से कौन सा भिन्न है, तो देखिए घोंघी बिच्छी जोंकवा छेरी, तो छेरी अलग है तीनों से। हम लिखत रहें का अर्थ होता है हमन लिखत रहें। लास्ट यहाँ पर देखेंगे 20 MCQ, इसके बाद टोटल क्लास करेंगे। कुरा ससुर का अर्थ होता है जेठ। टोटल 20 MCQ कर चुके हैं, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके